ओके डियर स्टूडेंट योर टाइम स्टार्ट नाउ फॉर चैप्टर वन एम सी क्यूज ओके चलो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गिव मी योर आंसर वॉट इज योर आंसर वॉट इज योर आंसर क्वेश्चन लिखा है एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आर डैश अगर ऑडिटर यहां पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है अंडर द चैप्टर नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट तो बोलना ऑप्शन कौन सा आएगा यहां पे व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू

क्यू सर बिकॉज दिस इज कवर्ड इन आर आंसर दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग ठीक है तो वो आंसर में जो भी पॉइंट्स है ऑल दीज हियर इन ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड हेंस द लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले इसमें लेट सी द नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अगले पार्ट में चलता है आंसर दिस वन जो क्या लिखा है रीजनेबल अश्योरेंस इज डैश लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज नॉट डैश अश्योरेंस वॉट इज योर आंसर वॉट इज योर आंसर बोलो वॉट यू थिंक ओके ठीक है द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए यहां पर रीजन क्या है रीजनबल अश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट इज नॉट क्या बोल रहा हूं इट इज नॉट एबसोल्यूट अश्योरेंस एबसोल्यूट मतलब वही अपना हंड्रेड परसेंट लेवलो आंसर दिस वन विच ऑल फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट और एथिकल रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड बाई ऑडिटर ट्रिकी क्वेश्चन है ध्यान से आंसर करना दिमाग लगाओ यहाँ पे थोड़ा वॉट इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट बोलो ये तीनों ये चारों ऑप्शन में से कौन सा वॉट डू यू थिंक इज द आंसर ठीक है आंसर आने चालू हो गए यहां पर वेरी नाइस ओके आंसर ओके ओसम ठीक है आंसर हियर इज द आंसर हिर इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है दैट इज कंप्लायस फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दैट इज द राइट आंसर रीजन क्या इसका यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्यू सर इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंशालिटी ऑडि डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट स्किल्स

विच ऑफ द फोलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ इन एर एंड लिमिटेशन ऑफ एड ध्यान से बढ़ना और मुझे आंसर करो रीड वेरी वेरी केयरफुली एंड आंसर बोलो वॉट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू थर्टी सेकेंड लेफ्ट एक्सीलेंट एक्सीलेंट काफी लोग का राइट आंसर काफी ज्यादा लोग का राइट आंसर वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ग्रेट ओके लास्ट फाइव सेकेंड जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं दिया गो फॉर इट गो फॉर इट ओके टाइम्स अप द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एक बार खाली डिस्कस कर लेते देखो इधर क्या लिखा है द ऑडिटर नॉट रिड्यूस द ऑडिट इज टू जीरो ये तो हो ही नहीं सकता एंड कैनोट ऑबटेन एबसोल्यूट अश्योरेंस एट द्री फॉम मटेरियल में स्टेटमेंट ये सही है क्या आंसर

कम टू द नेक्स्ट वन लेट्स आंसर दिस वन टूगेदर देखो बोलो इसका आंसर क्या एज पर एस ए टू हंड्रेड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल द द द ओवरऑल ओवरऑल ऑफ ऑफ ऑडिटर आर आर डैश बोलो द ऑडिटर अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज द आंसर ओके परफेक्ट परफेक्ट बीच में किसी ने आंसर चेंज किया वेरी नाइस ओके आई कैन सी इन द चैट एरिया ओके ग्रेट द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर सी ठीक है दैट इज इज बोथ ए एंड बी अबव सो द आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है सी इन सम क्वेश्चंस आई विल नॉट गिव यू फुल 60 सेकंड्स ना बिकॉज़ वो क्वेश्चन उतना डिजर्व नहीं करता ठीक है बिकॉज बहुत ही छोटा क्वेश्चन रहेगा तो आई विल टेल द आंसर आफ्टर सम टाइम जब मुझे लगे कि हां नहीं नहीं अभी तक तो कुछ स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए इसका आंसर ठीक है और नेक्स्ट में ऑडिटिंग एंगेजमेंट कैन बी परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू विच एंटिटीज वॉट काइंड ऑफ एंटिटीज अपन पे ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं बोलो रिगार्डिंग विच एंटिटीज कैन यू परफॉर्म ऑडिट कैन यू परफॉर्म ऑडिट प्लीज टेल मी आंसर बोलो वॉट इज योर आंसर क्या बात एवरीबडी इज आई थिंक लाइक

perfect excellent 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 sub answer right fantastic you fantastic so the answer is c that is communication skills come communication skills fantastic fantastic great everyone well done okay go to go to the next question now Yo kya likha hai? the institute of chartered accountants of india constitutes the dash to review the existing auditing practices in india yaad agna, existing auditing practices in india टू डेवलप द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बोलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे बोलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे सोच के बोलो वहां पे लिखा है इन इंडिया आई ए एस बी का फुल फॉर्म क्या है आई ए एस बी का फुल फॉर्म क्या है सोचो क्वेश्चन में लिखा है इंडिया यू आर गिविंग द आंसर आई ए एस बी दैट इज इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड बोलो व्हाट विल बी योर आंसर चलिए यार मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया यार यहां पे ठीक है ओके डियर स्टूडेंट्स द आंसर इज आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ए इज द राइट आंसर ए एस बी दैट इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आई टोल्ड यू ऑल आई ए एस बी को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई यहां पे उसने एक कमिटी फॉर्म किया कॉल्ड डाइस

वेरी सिंपल ठीक है चेकिंग द वाउचर्स ऑडिटर काम इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर काोसीजर्स ऑडिटर का काम क्या ऑडिटर का काम नहीं है प्रिपेरेशन ऑफ वाउचर्स ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द वर्क ऑफ द ऑडिटर इट इज द वर्क ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी तो ये आगे अपना यहां पर ऑप्शन नंबर बी ओके सो दैट इज द राइट ऑप्शन एक्सेलेंट एक्सेलेंट गो फॉर द नेक्स्ट वन गो फॉर द नेक्स्ट वन फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बोलो नॉट अ लिमिटेशन ऑडिटर के काम में ये कोई भी तरीके का लिमिटेशन नहीं है बोलो वॉट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू बोलो आई गिव यू समाइम थोड़ा इसमें ज्यादा प्लीज टेलमी दी आंसर चलो ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि काफी लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है यहाँ पे ठीक है आई थिंक आई सीन ऑल दी ऑप्शन एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी बी के अलावा मुझे आंसर में और सारे ऑप्शन दिख रहे हैं पे तो किसी ने अभी तक आंसर दिया नहीं है तो फॉर्मेलिटी के लिए पे बी डाल दो यहां पे ताकि सारे ऑप्शन कवर हो जाए <laughs> क्लियर है यहां तक बोलो वॉट इज दंसर अकॉर्डिंग टू यू ठीक है टाइम्स अप लेट सी दंसर ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव का बायसनेस ऑब्जेक्टिव का बायसनेस जो रहेगा नॉन बायसनेस सॉरी नॉन बायसनेस इज ऑब्जेक्टिविटी करेक्ट ठीक है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है नॉन बायस करेक्ट तो ये यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है बाकी सारे यहाँ पेमिटेशन बनेंगे ठीक है टेस्ट चेकिंग में अपन कम चेक कर रहे ऑडिट एविडेंस मतलब ऑडिट एविडेंस के परसुवने, के, वत, के वजह से मतलब अपन यहाँ पे जो ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं अगर वो कम परसुएसिव रहेंगे तो ऑडिटर तो को काम चलाना पड़ेगा का यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते यहाँ पे इंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट इज कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वीक सो इसके लिए यहां पे ऑल दीज कैन एक्ट एज लिमिटेशन दैट इज ऑप्शन नंबर बी सी डी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओके चलो ग्रेट आ जाओ नेक्स्ट में आंसर दिस बोलो आंसर दिस वन अ वेरी गुड क्वेश्चन बोलो वॉट इज योर आंसर is your answer 30 seconds remaining everyone what is your answer okay bolo answer yeah tell me your answer ठीक है, I'm stopping it here. अच्छा अभी भी कोई लोग आंसर कर दे 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 दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो सबने दिया यहां पे। इज ऑप्शन बी देखो अगर कभी भी ऑडिटर को अगर क्लाइंट डराता है बोलता है कि देखो अगली बार आपको हम काम नहीं देंगे आपको ये काम देने वाले थे लेकिन नहीं देंगे अगर आपने ये फ्रॉड जो हमने किया या अगर आपने शर्डोस को बता दिया तो आपके आगे के जो काम रहेंगे वो हम आपको देंगे नहीं और हम आपको काफी कुछ यहाँ पे आपका जो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर भी है वो भी हम इंक्रीज करने का सोच रहे थे ये सब करने का सोच रहे थे लेकिन अभी आपको ये सब मिलेगा नहीं तो ये एक तरीके धमकी हो गई ना यहाँ पे कि अगर आपने फ्रॉड का रिपोर्ट दे दिया तो हम आपको जो भी यू you नो know, आपको जो भी काम देने वाले थे आपको देंगे नहीं करके दैट इज अ थ्रेट फ्रॉम द क्लाइंट तो अगर थ्रेट मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं इंटीमिडिएट करना इंटीमिडिएट मतलब किसी को यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा डराना ठीक है दैट इज कॉल इंटीमिडियन थ्रेट ओके धमकी देना बराबर ओके नेक्स्ट में आ जाओ दिस आंसर बोलो इसका आंसर क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है वो खुद ही यहां पे वो खुद ही पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे तो बोलो ये कहां पे आ जाएगा ये एक्सेलेंट 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 दी आंसर विल बी वॉट दी आंसर विल बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या आएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट आई थिंक सबको ये आंसर आ गया था फटाफट ओके okay?

टी थ्रेट ओके सो यिटी थ्रेट ओके ऑप्शन नंबर सी गो फॉर द नेक्स्ट वन बोलो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे इफ द प्रोफेशनल बिकम्स अटनेस वेर द पार्ट टू लिटिगेशन इज इज क्लाइंट इट विल रिजल्ट इन डैश इट विजल्ट इन डैश ठीक है सर बच्चा कौन सा है अभी ऑप्शन सर अभी तक जो क्वेश्चन हुए उसमें से बच्चा कौन सा कौन सा बच गया है यहाँ पे ठीक है ओके okay. <laughs> ठीक है क्या आएगा एडवोकेसी एडवोकेसी मतलब अपन अगर क्लाइंट के हित में बात कर रहे हैं इमेजिन करो ना अगर मैं क्लाइंट का लॉयर हूं यहाँ पे तो मैं क्लाइंट के लिए बात करूंगा ना यहाँ पे तो शेयर्ट उसको लगेगा की अरे यार ये यह हमारा यहाँ पे काम करके ये यह यहाँ पे कोई फ्रॉड या एरर ढूंढने के लिए गया है कि ये यहाँ पे क्लाइंट का साथ दे के यहाँ पे क्लाइंट का ओपिनियन दे रहा है यहाँ पे सो द आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी थ्रेट्स क्या बोल रहा हूँ मैं एडवोकेसी थ्रेट्स ठीक है एडवोकेट द ऑल्टर इज एडवोकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट

क्या यू विन इन दिस क्वेश्चन यू विन आ जाओ नेक्स्ट में ओके आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी एवरी वन के आंसर टू दिस क्वेश्चन प्रोफेशनल कैप्टिज रिक्वायर दैट यू ऑर्टर शुड बी डैश इंडिकेटिंग डैश ऑर्टर शुड बी डैश इंडिकेटिंग डैश शुड बी डैश इंडिकेटिंग डैश क्या बोलते हो वट इज यंसर अकॉर्डिंग टू यू ओके सबका आंसर बाकी है आना बाकी है कि हो गया अभी यहां पर ऑलमोस्ट डन ओके ओके ग्रेट आई थिंक एवरीबडी एज आंसर यर ठीक है सबका फटाफट आंसर आ गया था दैट इज ऑप्शन नंबर बी द

बोलो एरर और फ्रॉड के बीच में जो अंतर है वो किस चीज का होता है ओके ट्वेंटी फाइव सेकेंड रिमेनिंग गो फॉर इट अभी भी आंसर आ रहे हैं वेरी गुड ओके आई थिंक एवरीबॉडी एवरीबडीज हियर ओके आई विल जस्ट शो यू द आंसर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटेंट अरे मेरा इंटेंशन यार अरे इंटेंशन अगर मैं इंटेंशनल एरर करता हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं फ्रॉड बोलते हैं ना तो एरर ऑफ फ्रॉड फर्क क्या हो गया मेरे इंटेंट का ठीक है मेरे नियत का मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं उसका ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन गो फॉर दिस बोलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट इज लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट बोलो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट बोलो लीस्ट लाइकली किस चीज का आकाश रीड द क्वेश्चन केयरफुली आकाश रीड द क्वेश्चन केयरफुली एर एन आकाश जानवी रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल ठीक है ओके लास्ट फाइव सेकंड ऑलमोस्ट ये फाइव लेफ्ट प्लीज गो फॉर इट बोलो क्या बोलते हो आंसर ठीक है टाइम अप एक एक अपॉप्शन समझते हैं देखो क्या बोल रहा हूं मैं पहले लिखा टेस्ट तो uh, है टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स बोलो ऑडिटर को यहां पे रिक्वायर्ड है क्या चेक करने के लिए आंसर इज हंड्रेड परसेंट वो तो बेस एंट्री है जर्नल एंट्री बाद में रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हंड्रेड परसेंट चेक करना पड़ेगा ओके बाद में इवेलुएट द बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट अन्यूजल ट्रांजेक्शन बरबर है अन्यूजल ट्रांजेक्शन क्या क्या हुए ये चेक करेंगे बिजनेस रैशनल या बिजनेस के लॉजिक हिसाब से ट्रांजेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसके बारे में चेक करेंगे तो ये तो करना चाहिए लास्ट में तो क्या लिखा है मेक अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर फ्रॉड एज अकर्ड लीगल डिटर्मिनेशन लीगली चेक करना पड़ेगा कि फ्रॉड अकड़ हुआ है कि नहीं हुआ है अरे इससे अपने को क्या लेना लीगल डिटर्मिनेशन है या नहीं है ठीक है ऑडिट में तो अपन लीगलिटी तो लीगलिटी के हिसाब से तो नहीं जाएंगे ना हर चीज के हिसाब से स्पेशली रिलेशन टू फ्रॉड ठीक है तो ऑडिटर का जो फ्रॉड है ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज वन और मोर अंडर सेक्शन थ्री सब सेक्शन ट्वेल्ल ने देखा था कंपनी ऑडिट के चैप्टर में तो यहां पे दी ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी ठीक है मेक अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड हैज अकर्ड ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ध्यान में रखना आ में. ये आ जाओ नेक्स्ट में विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर ये थोड़ा सिंपल आ गया बोलो जल्दी विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर ऑडिटर का इसमें से कौन सा काम ऑडिटर का नहीं है कौन सा काम ऑडिटर का नहीं है ओके ठीक आई थिंग एवरीबडी इज आंसर वेरी वेरी फास्ट ओके ऑलमोस्ट विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सेकंड युगा इज आंसर ओके द आंसर इज आंसर इज course ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें तो सस्पेंस भी नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन था ये. Okay. बोलो इसका क्या आएगा पे. डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इट विल रिजल्ट इन डैश सोच के देना आंसर हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस अगर ऑडिटर ने maintain किया हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब क्या ऑडिटर किसी के प्रेशर में आता ही नहीं है खुद के हिसाब से काम करता है अच्छे से काम करता है बोलो इट विल रिजल्ट इन डैश What इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू ओके okay. चार लोगों ने अभी तक है ना एक अलग आंसर दिया हुआ बाकी सब एक ही बाकी सब परफेक्ट आंसर दे रहे ओके okay. चलो दी आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज एनहांस रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आएगा एनहांस रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑफ कोर्स ना अगर ऑडिटर ने हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस से काम किया तो उस वो विदाउट प्रेशर ही कैन गिव हिज ओपिनियन तो लोगों को ज्यादा भरोसा है ऑल्टर पर ऑल्टर ने यहाँ पे प्रॉपरली चेक करके अपना खुद का दिल से ओपिनियन दिया हुआ है पे कि वॉट ई एक्चुअली फील्स ठीक है गो फॉर दिस वन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन क्या लिखा है अ अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज मैटर ऑफ ऑल्टर जजमेंट ऑफकोर्स इन द पर्टिकुलर सर्कमचांस ऑफ अ केस इन मोर स्पेसिफिक टर्म्स टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ऑल्टर टू सी डैश ऑर्टर को क्या क्या एरियाज चेक करने पड़ती है वॉट ऑल एरियाज विल द हैव टू चेक ठीक है काफी बोलो यहां पे वॉट ऑल एरियाज विल द ऑर्टर है बराबर की नहीं है बोलो आंसर क्या आएगा यहां पे आंसर विल बी वॉट ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 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 वाई अपना ये आंसर है ना ट्रू एंड फेयर व्यू का उसके सारे पॉइंट है ये सारे ठीक है तो ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में ऑर्डर को स्पेसिफिकली क्या क्या चेक करना चाहिए वो अपने यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर एबीसी में सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दबाउ ओके नेक्स्ट वाला गो फॉर दिस क्या लिखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विध रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट विद रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट यहाँ पे ऑप्शन दिए गो फॉर इट एंड टेन वी दंसर स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में ध्यान से सोच के देना आंसर बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है यू नो दी आंसर स्कोप ऑफ ऑडिट तो सोच के आंसर दो ना अच्छे से और लॉजिक लगाओ थोड़ा अपना यहां पे ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट पड़े उसके लॉजिक लगा के आंसर देना यहां पे अच्छे से गो फॉर इट ओके okay. ये वाला भी क्वेश्चन में मेरे को ऐसे दिख रहा है कमेंट्स में है, कि काफी मतलब बताता हूं मतलब काम करता है उस पर ठीक है तो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है द प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड दैट ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टन एसेट्स ऑडिटर थोड़ी ना है यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट है अभी एक एसेट का यहाँ पे फिजिकल कंडीशन कितना अच्छा है वो काम थोड़ा ऑल्टर करेगा उसके लिए तो एक्सपर्ट्स रहेंगे पे अलग अलग फील्ड के ठीक है तो वो ऑडिटर का काम नहीं है लेकिन बाकी जो ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एन बी नंत ऑफकोर्स नहीं आएगा बिकॉज ऑप्शन नंबर ए एन बी देखोगे तो उसमें तो यहाँ पे दो ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी देखो क्या बोल रहा है प्रोफेशनल स्किल ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड दैट ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टन एसेट्स एसेट्स का कितना कीमत रहेगा ये ऑल्टर देख के बोलता है ये ऑल्टर नहीं देखता